वेलकम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इन अ वीडियो लेक्चर क्लास विच आर डिपेंड्स ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, और जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था बेटा, मोशन. और आज हम इस चैप्टर के लास्ट पढ़ाव तक आ चुके हैं. फाइनली इसमें जो कुछ छोटी मोटी बड़ी बची कुची बातें हैं वो आज मैं आपको बता देती हूँ, और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बेसिक कंसेप्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं. ठीक है, तो चलो, जैसे कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और उसके कुछ एक दो टाइप्स के बारे में बताया था, जैसे कि मुझे अच्छे से पता है. और आज हम देखेंगे उसी स्पीड के कुछ न्यू टर्म्स, न्यू टॉपिक्स एंड न्यू टाइप्स. चलो स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि स्पीड के बारे में आपको अच्छे से पता है, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस ट्रेवल इन यूनिट टाइम. ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालने का, स्पीड निकालने का फॉर्मूला. फिर टाइप ऑफ स्पीड में हमने यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट स्पीड के बारे में देखे, जिसमें मैंने आपको बताया था इफ कोई भी बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब हर 5 सेकंड में 5 मीटर, देन नेक्स्ट 5, अगेन 5 मीटर, देन नेक्स्ट 5, अगेन 5 मीटर, तो फिर उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हम ये इजीली समझ जाते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे चल रहा है. उसके बाद में फिर वेरिएबल स्पीड, जैसा नाम वैसा काम, और यही है सही दाम. कैसे? सिंपल सी बात है बेटा, कांस्टेंट बोले तो यूनिफॉर्म, वेरिएबल बोले तो नॉन यूनिफॉर्म. तो वेरिएबल स्पीड का मतलब होता है इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा, देन दैट स्पीड इज नोन एज द नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड. फिर एवरेज स्पीड, एवरेज ऑल ओवर टोटल बोलते हैं, जितने भी नंबर ऑफ स्पीड आपके पास में है उन सभी की एडिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज द एवरेज स्पीड. द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन, दैट इज नोन एज द एवरेज स्पीड. एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. तो ये सभी बातें बेटा हमने शायद हमारे लास्ट लेक्चर में देखी थी, उसके पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में. अब इसी टाइप ऑफ स्पीड में और एक टाइप ऑफ स्पीड है बेटा, इंस्टेंटेनियस. अब देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यूनिफॉर्म बोले तो बिल्कुल कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म बोले तो वेरी होने वाला, एवरेज बोले तो टोटल, और इंस्टेंटेनियस बोले तो क्या. तो सिंपल सी बात है, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है एट दैट इंस्टेंट, उसी समय पे, उतने ही समय के लिए, उस समय पर ये होता है. और ये ज्यादा से ज्यादा आपको यूज होगा बेटा 12th स्टैंडर्ड में या 11th स्टैंडर्ड की सिलेबस, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन में. तो उसके बारे में आप जरूर वहां पे डिटेल में देखेंगे, लेकिन डिटेल में देखने के लिए पहली स्टेज तो पढ़नी पड़ेगी, और वो पहली स्टेज क्या है. इंस्टेंटेनियस स्पीड, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन. जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसकी किसी भी समय पे काउंट किए जाने वाले स्पीड को, किसी भी समय पे काउंट किए जाने वाले स्पीड को, निकालने वाले स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड. एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी. ये फॉर्मूला है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का. तो समझ में आ गया इंस्टेंटेनियस स्पीड यानी क्या. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके ऑल ओवर मोशन में बीच में किसी भी समय पे अगर आपने उसकी स्पीड काउंट की तो वो उस इंस्टेंट पे काउंट करने वाले स्पीड को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वेलोसिटी. अब वेलोसिटी क्या है? अब ये हर टॉपिक आपको इजीली समझ में आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं इनको आपको डायग्रामेटिकली बता चुकी हूँ, और मुझे नहीं लगता अब आपको कुछ ज्यादा मुझे बताना पड़ेगा, और हर टॉपिक आप इजीली समझ जाओगे.
The velocity of a particle is defined as the rate of change of displacement of the particle. Simple. अगर कोई पार्टिकल मोशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस, एंड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब ही होती है वेलोसिटी. तो सिंपल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज नोन एज द वेलोसिटी. इसकी आप दूसरी भी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन. डिस्प्लेसमेंट इज वॉट? द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन. अब आप बोलोगे, मैम वेलोसिटी तो वेक्टर है, स्पीड तो स्केलर है, फिर वेलोसिटी के डेफिनेशन में स्पीड कहां से आई? तो आपने सुना नहीं अच्छे से, मैंने क्या कहा? स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन अ गिवन डायरेक्शन. डायरेक्शन दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी. चलो अब इसमें भी हम देखेंगे क्या. The velocity is a vector quantity because it is depends on direction. और इसीलिए velocity की value zero भी हो सकती है, positive भी हो सकती है और साथ में negative भी हो सकती है. It has both magnitude and direction. और अगर ये vector है तो उसके पास magnitude भी है और उसके पास direction भी है. Velocity is equal to displacement upon time taken. Velocity is nothing but equal to displacement upon time taken. Its unit is meter per second and its dimensional formula is L1T minus 1. अब ये dimensional formula वगैरह क्या है, ये हमारे 11th standard के syllabus में देखेंगे बेटा. जब हम 11th standard का syllabus start करेंगे तो उस समय हम पढ़ेंगे ये L1T minus 1 क्या है करके. समझ में आ रही बात आप लोगों को? पक्के से ना? तो चलो अब देखो, यहाँ पे velocity vector quantity है, वो magnitude direction दोनों के ऊपर depend करेगी. उसे निकालने का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, SI यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन L1T माइनस 1. उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी. जैसे यूनिफॉर्म स्पीड वैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब आप देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसे कहेंगे. अ पार्टिकल इज सेड टू बी टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट मूव्स अलोंग अ फिक्स्ड डायरेक्शन and cover equal displacement in equal interval of time. Yes, uniform velocity की मतलब होता है it moves along a fixed direction. हाँ, अब object अगर uniform velocity के साथ travel कर रहा है तो उसकी direction कैसी रहेंगी बेटा? Fixed. साथ में cover equal displacement in equal interval of time. Equal displacement in equal interval of time. However, small these intervals of time may be. Time interval छोटे छोटे भी हो सकते हैं लेकिन equal. तो ये कौन सी velocity कहलाएंगी? Uniform velocity. समझ में आ गया? अगर कोई object uniform velocity के साथ आगे जा रहा है, मतलब उसकी direction fix है, वो equal displacement cover कर रहा है equal interval of time में. अब यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप स्पीड में ये सभी बातें पढ़ चुके हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये कंसेप्ट पढ़ चुके हो. सो अब आपको यहाँ पे ज्यादा डर भी नहीं लग रहा होगा और इजीली समझ में भी आ रहा होगा. उसके बाद सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी. सिंपल लॉजिक, द वेलोसिटी इज वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म इफ इट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. हाँ, अब हम नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे हैं, वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, व्हाटएवर इट मे बी. आर यू गेटिंग? सो नाउ इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस और इफ बोथ द रेट ऑफ मोशन एंड द डायरेक्शन चेंज. एक तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होंगी वेरिएबल में, या फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होंगी. तो इस तरीके से ये कौन सी वेलोसिटी कहलाएंगी? फिर नॉन यूनिफॉर्म. नॉट अ यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म. उसके बाद टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में एक और एवरेज. अब याद है बेटा, जब मैंने आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया, तो मैंने आपको डायग्रामेटिकली पढ़ाया था पिछले वीडियो लेक्चर में. और इसीलिए अब यहाँ पे मैंने क्या अभी वही बताना है, अब तो मुझे सिर्फ कंसेप्ट में लेके चलना है. किसी लिए अब देखो, एवरेज. एवरेज माने तो टोटल, और टोटल बोले तो एवरेज. तो सिंपल सी बात है,
अब देखो, लेट S1 बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन टाइम T1 एंड S2 बी इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम T2। जब ऑब्जेक्ट ने S1 डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो S1 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको समय लगा T1 और S2 डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको समय लगा T2। अब हमें इस नॉलेज से एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। सो द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। That means S2 minus S1 upon T2 minus T1. That means delta S upon delta T. Delta S upon delta T. और ये है बेटा एवरेज वेलोसिटी। क्या है? एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ में आ गया? तो ये हो गया बेटा एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट। अब एवरेज के बाद में कौन सी टर्म आती है? इंस्टेंटेनियस। अब ये सिक्वेंस तो आपको याद ही हो गया होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज इंस्टेंटेनियस, हो गया ना यार? चलो ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इट इज द वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम और एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस, तो किसी भी समय पे निकाली जाने वाले वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स मोशन। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय लिमिट, यहां पे लिमिट चाहिए बेटा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, इट इज द फॉर्मूला। अब आप बोलोगे मैम ये लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो का क्या मतलब है? तो इसकी ऑल ओवर इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी जानकारी, पूरा कंसेप्ट आपको पढ़ने को मिलेगा हमारे 11 के मोशन इन अ प्लेन इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम वो देखेंगे तब। तो फिलहाल अब इतना ही कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके मोशन के ड्यूरिंग ही अगर हम किसी भी समय पे उसकी वेलोसिटी निकालेंगे तो उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अरे वाह, यहाँ तो बात ऐसी भी, मैंने कुछ बताया नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई। सो इजी, सो सिंपल, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। उसे क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फिर एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा वी माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी का सिंबल वी, इनिशियल का यू अपॉन टी। इफ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ठीक है, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या रहेंगी? सेम। और अगर दोनों सेम रही तो आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएंगी? जीरो। क्यों वी माइनस यू जीरो नहीं आएगा? क्योंकि दोनों सेम होने की वजह से। तो सिंपल, इफ अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन वी इक्वल टू यू देन एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन इज जीरो एंड यूनिट होता है उसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका मतलब किसका? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया? एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज द एक्सेलरेशन। सो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी माइनस यू इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वी इक्वल टू यू। ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? चलो अच्छी बात है, नहीं समझा तो मैं हूं ही यहां पे, आप मुझे पूछ सकते हो। अब इसी एक्सेलरेशन में मैं आपको दो पॉइंट्स पढ़ाऊंगी, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन और दूसरा निगेटिव एक्सेलरेशन। अब मैं आपको बताती हूं पॉजिटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे और निगेटिव एक्सेलरेशन किसे कहेंगे। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। नाउ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, चलो देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन के बारे में। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम
in the direction of the motion of a body, then the acceleration of the body is known as positive acceleration. अब मैं बता रही हूँ आपको, सही सिंपल सी बात है. एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा v माइनस यू अपॉन टी. एक सिंपल सा बेसिक बात ध्यान में रखना, जब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी से बड़ी रहेंगी, व्हेन फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, देन v माइनस यू की वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, हाँ या ना? बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे सामने जो वैल्यू आएंगी वो होती है पॉजिटिव. मतलब ऊपर में टर्म कौन सी आएंगी? पॉजिटिव. तो आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव. तो बस इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा बोला है, इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजेस विद टाइम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन. और मैं आपको याद रखने के लिए बता रही हूं, इफ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज मोर देन दैट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव. समझा? चलो अब पॉजिटिव के साथ में ही हम देखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में. इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम, तो देखो एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला वी माइनस यू अपॉन टी. अगर वी लेस देन यू है, और जब आप v माइनस यू करोगे तो आपको वैल्यू भी क्या मिलेगी? निगेटिव. मतलब यहाँ पे क्या आएगा? निगेटिव टर्म. और आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा? निगेटिव. तो यहाँ पे ये बोला है इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन एक्सेलरेशन इज निगेटिव. और अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, इफ द फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन इज निगेटिव. तो एक बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है, एज वेल एज निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज द रिटार्डेशन, इज ऑल्सो नोन एज द डी एक्सेलरेशन. निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज द रिटार्डेशन एज वेल एज डी एक्सेलरेशन. तो इस तरीके से बेटा मैंने एक्सेलरेशन में भी आपको फाइव पॉजिटिव और निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में बता दिया. और साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन भी बोलते हैं और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. चलो अब बस कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो बार बार आती रहती है, तो आप एक काम कर लीजिएगा, इन वो वेक्टर है या स्केलर, वो उनका यूनिट क्या है और उसका यूनिट का सिंबल, बस ये एक बार दिमाग में रख लो और फिर आपको अपने आप ही बाकियों के भी यूनिट डायमेंशन और यूनिट निकालते आने चाहिए. तो देखो जैसे पहली फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली पोजीशन. पोजीशन मतलब एक्चुअल लेंथ, लेंथ बोले तो स्केलर, तो वो स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर, इसलिए यहाँ पे निगेटिव सिंबल है. ठीक है, उसके बाद में यूनिट नेम मीटर, पोजीशन को मेजर करते हैं मीटर में, सिंबल एम. डिस्टेंस, अब आप बताओगे डिस्टेंस स्केलर या वेक्टर? स्केलर. उसके बाद में मतलब वेक्टर नहीं, यूनिट मीटर, सिंबल एम. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यूनिट मीटर, सिंबल एम. उसके बाद में स्पीड पढ़ाया मैंने, स्केलर. स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मीटर पर सेकंड, सिंबल. पर को अगर नहीं लिखा आपने तो सेकंड को ऊपर लेके जाके उसके ऊपर में माइनस वन लिखोगे. उसके बाद में एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म, वेरिएबल, कोई भी वेलोसिटी हो, यूनिट एक ही रहता है, चेंज नहीं होता. एवरेज वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और सिंबल. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और सिंबल. इंस्टेंटेनियस स्पीड, अब स्पीड बोले तो स्केलर, फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड हो, वेरिएबल स्पीड हो, एवरेज स्पीड हो, कोई भी स्पीड हो, लेकिन वो स्केलर ही रहेगी, यूनिट मीटर पर सेकंड और उसका सिंबल. ठीक है, चलो उसके बाद में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यू नो वेरी वेल, ओके, वेक्टर, सिंबल, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का सिंबल, मीटर सेकंड की पावर में माइनस टू. एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो वेक्टर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
सिंबल। उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर मीटर पर सेकंड स्क्वायर सिंबल। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बेटा आज हमने हमारे इस वीडियो लेक्चर में मोशन के पूरे बेसिक पॉइंट्स क्लियर किए। उसमें हर एक बात मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझा के बताई, टाइप ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव नेगेटिव हर बात। उसके पहले भी मैंने आपको हर एक चीज समझा के बताई अच्छे से विद डायग्राम के साथ। तो इस तरीके से हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स यहीं पे खत्म होता है, मोशन। हम आपको फिर से मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। लेकिन आज और आज तक जितना भी मैंने पढ़ाया उतना आपको नोट डाउन करना है, क्यूरीज हो तो वो पूछना है, ठीक है बेटा? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू बेटा एंड हैव अ गुड डे।